नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं अब तक की हर छोटी बड़ी खबर पर। पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के आने को लेकर तैयारियां शुरू। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पल्ली में होने वाले कार्यक्रम को लेकर कसी कमर। परीक्षा पे चर्चा का पांचवां संस्करण 1 अप्रैल को होगा आयोजित। प्रधानमंत्री मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ करेंगे बातचीत। जम्मू तवी सियालदा हमसफर एक्सप्रेस के समय में हुआ बदलाव। अब 20 अप्रैल से जम्मू से 7:25 के बजाय सुबह 7:20 पर हुआ करेगी रवाना। ऑल जेएनके ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने मांगे पूरी करने के लिए प्रशासन को शाम तक का दिया समय। बोले, राहत पैकेज जारी नहीं हुआ तो बुधवार से जम्मू कश्मीर में शुरू होगी हड़ताल। सरकार ने 4th क्लास पदों का नाम बदलकर किया मल्टीटास्किंग व स्वच्छता कर्मी। स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम 8वीं और अधिकतम 12वीं पास योग्यता निर्धारित। जम्मू में ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा का हुआ आयोजन। कहा, आज तक नहीं दिया गया आरक्षण का लाभ, जल्द दिया जाए आरक्षण। जम्मू कश्मीर स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का 3 अप्रैल को होगा आयोजन। इस बार बाकी जिलों के खिलाड़ी भी ले सकेंगे हिस्सा। जम्मू में 20th J&K यूटी एथलीट्स चैंपियनशिप हुई आयोजित। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में रहे उपस्थित। श्रीनगर में जेके बैंक खिदमत सेंटर एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। स्थायी सेटलमेंट पॉलिसी बनाने की कर रहे मांग। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान पर कठुआ में भी हुआ प्रदर्शन। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की उठाई मांग। अरविंद केजरीवाल को कश्मीरी पंडितों पर किए मजाक को लेकर मांगनी चाहिए माफी। रविंदर रैना ने कहा, कश्मीरी पंडितों पर किया मजाक बेहद निंदनीय। जम्मू नगर निगम ने डेयरी गौशाला में एनवायरनमेंट मैनेजमेंट को लेकर आयोजित की वर्कशॉप। इसमें डेयरी वालों को गाइडलाइंस के बारे में दी गई जानकारी। सांबा में पशु तस्करों ने पुलिस पर किया हमला। इस हमले में चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। पुंछ में पीएचई विभाग ने लोगों से पानी की बकाया बिल भरने की अपील। एडब्ल्यू अब्दुल कयूम ने कहा, ऐसा न करने पर काटे जाएंगे पानी के कनेक्शन। पुंछ पुलिस ने बैडमिंटन टूर्नामेंट का किया आयोजन। 50 खिलाड़ी ले रहे इस टूर्नामेंट में हिस्सा। कांग्रेस ने ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का किया समर्थन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा, हम ट्रांसपोर्टरों की जायज मांगों का कर रहे हैं पूरा समर्थन। बड़ी ब्राह्मणा में लगे जम्मू ट्रेड फेयर ने मचाई धूम। ट्रेड फेयर में मौत की छलांग, भूत बंगला बने लोगों की पहली पसंद। डोगरा सदर सभा ने कहा, पाकिस्तान साजिश के तहत जम्मू कश्मीर में फैला रहा ड्रग्स युवाओं को नशे की लत का शिकार बनाकर अपने नाबाक मंसूबे करना चाहता है कामयाब। फार्मेसी और मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स कर चुके युवाओं ने सरकार को दी चेतावनी। कहा, रजिस्ट्रेशन के मसले को जल्द करें हल, नहीं तो करेंगे गुरु प्रदर्शन। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू को गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज का नाम देने की उठी मांग। नेशनल सिख फ्रंट ने कहा, श्री गुरु तेग बहादुर जी को होगी सच्ची श्रद्धांजलि। जम्मू के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने आम आदमी पार्टी का थामा हाथ। इसके साथ ही छात्रों ने राजीव नगर से निकाली मोटरसाइकिल रैली। बोनियार के इलाचीपोरा में 4 गरीब परिवार एक ही मकान में रहने को मजबूर। वीडियो कार्यालय के बार बार चक्कर काटने के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। एमवी इंटरनेशनल स्कूल को मिला बेस्ट स्कूल इन जम्मू का अवार्ड। कोविड के दौरान शिक्षा और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ज्यूरी द्वारा चुना गया एकमात्र स्कूल। उपराज्यपाल ने वर्चुअल पंचायत कॉन्फ्रेंस के तहत पंचों सरपंचों से किया सीधा संवाद, लेकिन गगवाल के पंचों सरपंचों से बात न होने पर दिखी उनमें नाराजगी।
जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन ने न्यू पेंशन स्कीम वापस लेने की मांग, जम्मू में प्रदर्शन करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की लगा रहे गुहार। नौशहरा में अभी भी वाहन चालक ओवरलोडिंग करने से नहीं आ रहे बाज, सोमवार को नौशहरा के लाम इलाके में हुए बस हादसे से नहीं ले रहे सबक। किश्तवाड़ बार एसोसिएशन की तरफ से दायर याचिका पर डीएम ने लिया कड़ा संज्ञान, एसएसपी किश्तवाड़ और थाना छतरू को 1 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के दिए निर्देश। बसोली में फेयर प्राइस शॉप को लेकर दिखाई खबर का हुआ असर, खबर के बाद आरोपी कर्मी को टीएसओ कार्यालय बसोली में किया गया अटैच। बनिहाल में सड़क की ब्लैक टॉपिंग को लेकर हुआ प्रदर्शन, कहा लंबे समय से सड़क की मरम्मत की कर रहे हैं मांग। आज दूसरे दिन भी जेके बैंक को छोड़कर हड़ताल कर रहे राष्ट्रीय बैंक के कर्मी, हड़ताल के चलते लोगों को करना पड़ा कई परेशानियों का सामना। फिलहाल खबर दिनभर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 7051091811.